नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में सुशील कुमार मोदी ने अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी पिछले 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे थे। सुशील मोदी 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से उन्हें कैंसर की बीमारी थी। आज दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा, जहां फिर आगे के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने ही खुद ये जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी थी। लगभग 1 महीने पहले 3 अप्रैल को सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर ये बताया था कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में सक्रिय नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो कैंसर से ग्रसित हैं और सुशील कुमार मोदी का कल रात ही निधन हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया। उनके अचानक चले जाने से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मंत्री मदन सहनी ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया है। उपेंद्र कुशवाहा, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी इस खबर को सुनकर काफी मर्माहत हैं। और उसके बाद से ही आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर को आज ही दिल्ली से पटना लाया जाएगा। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के पार्थिव शरीर को पटना ले जाने की अब तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान से पार्थिव शरीर लाया जाएगा। पार्थिव शरीर के साथ उनके दोनों बेटे और निजी सचिव शैलेंद्र ओझा भी जाएंगे दिल्ली एम्स से। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह। इस वक्त मैं दिल्ली में एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कल रात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया था। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को अब पटना ले जाने की तैयारी चल रही है। आज सुबह ही सुबह उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स अस्पताल से पहले दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, और उसके बाद दिन में 10 बजे विशेष विमान से उनके परिवार के सदस्य होंगे, जिसमें उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटे और उनके निजी सचिव जो कि पिछले 25 सालों से साथ रहे हैं शैलेंद्र ओझा, वो भी साथ रहेंगे। सभी उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से लेकर के पटना जाएंगे, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा जाएगा और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बिहार की राजनीति में पिछले कई दशक से लगातार सुशील मोदी का बोलबाला रहा है। सुशील मोदी बीजेपी के शीर्ष नेता के तौर पर गिने जाते रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके चाहने वाले कार्यकर्ता, नेता अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद आज उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल से आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाने की तैयारी चल रही है। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे पिछले 1.5 सालों से, और कल रात 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली दिल्ली के ही एम्स अस्पताल में। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं सुशील कुमार मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। बीजेपी के उत्थान में एक अमूल्य योगदान रहा है सुशील कुमार मोदी का। इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने शोक जताया। आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था, छात्र राजनीति से अलग पहचान बनाई थी, प्रशासक के तौर पर सराहनीय कार्य किए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी के लिए ये बातें लिखी। पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में बीजेपी के उत्थान और उनके सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद ही मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं।
ओम शांति। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी को लेकर लिखे, और उन्होंने शोक जताते हुए सुशील कुमार मोदी के उस योगदान को याद किया जो बिहार में बीजेपी को एस्टैब्लिश कराने में महत्वपूर्ण रहा है। पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया। तो इसके साथ ही आपको बता दें बिहार में शोक की लहर है। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। ये बिहार बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। एक एक करके सभी नेताओं ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया है। और आपको बता दें सुशील कुमार मोदी 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। बिहार के वित्त मंत्री भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे सुशील मोदी। 5 जनवरी 1952 को पटना में ही उनका जन्म हुआ था। उनकी राजनीतिक शुरुआत एक तरीके से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1990 से ही राजनीति में काफी सक्रिय थे सुशील कुमार मोदी, और उनका एक लंबा सफर रहा है। 1990 में बीजेपी बिहार विधानसभा दल के मुख्य सचेतक बनाए गए थे। 1996 से 2004 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। 2004 में भागलपुर से वो सांसद बने। 2005 में बीजेपी विधान मंडल पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी बनाए गए। सुशील कुमार मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य भी रहे हैं। बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी एक बड़ा और कद्दावर चेहरा है। भाजपा के दिग्गज नेताओं में सुशील कुमार मोदी का नाम शामिल है। 1973 से 1977 के बीच पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान सुशील कुमार मोदी 19 महीने जेल में भी रहे थे। एक संघर्ष उन्होंने उस वक्त किया था। 1983 से 1986 तक एबीवीपी में महासचिव, प्रदेश मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सहित कई पदों पर भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। उनका एक लंबा सफर रहा है। राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से ही उन्होंने की थी। पटना साइंस कॉलेज में से 1973 में वनस्पति विज्ञान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। वनस्पति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी उन्होंने की, और जेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो सुशील कुमार मोदी के जाने से बिहार की राजनीति में साथ साथ देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उनके बारे में वो बातें लिखी जो योगदान उनका बीजेपी पार्टी को एस्टैब्लिश करने में रहा है। तो सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद से ही बिहार में शोक की लहर है, और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी को याद कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। निधन ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्ण क्षति हुआ है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान से आशा करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देने का काम करे। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया है। तो दुख बड़ी खबर है कि हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील मोदी जी हम लोगों के अभिभावक थे, मित्र थे, बड़े भाई थे। हर दुख सुख में साथ देना, एक नेता की छवि उनकी पूरे बिहार में थी।
किसी का भी दुख सुख हो सुशील मोदी जी वहां पहुंच जाते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और सबको साथ लेकर चलते थे। उनकी कमी हरदम खलेगी। सुशील मोदी जैसे नेता बिहार में विरले ही पैदा होंगे। सुशील मोदी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर कार्यकर्ताओं में भी शोक की लहर है। देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता राजेंद्र नगर उनके आवास पर पहुंचे थे और दिवंगत सुशील कुमार मोदी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि करीब 6 महीने से सुशील कुमार मोदी कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। खुद ही उन्होंने इसकी जानकारी लोगों के साथ साझा की थी और उसके बाद से सब यही कामना कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन कल रात करीब 9:30 बजे उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांसें ली हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुशील कुमार मोदी की, उस वक्त की तस्वीर है जब वो पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है और उससे ठीक पहले ही सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो करीब 6 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और उसके बाद ये पटना पहुंचे थे। तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो समर्थक उन्हें देखकर एक तरीके से अचंभित हो गए थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो तभी से काफ़ी ख़राब दिख रहा था। आप देख भी पा रहे होंगे कि उस वक्त सुशील कुमार मोदी खड़े होकर चल भी नहीं पा रहे थे। व्हीलचेयर से उन्हें वहां तक लाया गया था और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर उन्हें उनके आवास पर पहुंचाया गया था। कल रात ये खबर सामने आई कि 9:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, एक नेता के तौर पर, बीजेपी नेता के तौर पर और एक विधायक के तौर पर भी वो काफ़ी मिलनसार थे। जिस भी पद पर वो रहे बखूबी उन्होंने उसे निभाया और जो लोग उनसे मिलते थे, जो लोग उनके बारे में बातचीत करते हैं, वो भी बताते हैं कि जब भी वो सुशील कुमार मोदी से मिले तो बिल्कुल मिलनसार होकर उन्होंने उनसे बातचीत की। ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी बड़े नेता से मिलने जा रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि कभी किसी पद का इनके इनमें घमंड नहीं रहा ना अहंकार रहा। जब भी वो एक आम व्यक्ति से मिले तो उनके साथी के तौर पर ही मिले, उनकी समस्याओं का निदान ही उन्होंने किया। और इसीलिए सुशील कुमार मोदी जो हैं वो जन के नेता भी थे और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते थे। और यही वजह है कि सिर्फ पक्ष के ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी सुशील कुमार मोदी के फैन थे। और देखिए लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया है और उन्होंने लिखा है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय से ही सुशील कुमार मोदी उनके मित्र रहे, उनके भाई रहे और तब से वो लोग साथ में रहे और ये दुखद समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही उन्होंने शोक जताते हुए लिखा है कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे, शांति दे। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी और सीएम नीतीश कुमार, ये सभी एक साथ छात्र राजनीति से ही उभर कर निकले। और सुशील कुमार मोदी जब बिहार में बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी को एक पार्टी के तौर पर स्थापित करने में काफ़ी बड़ा योगदान उनका रहा। ना सिर्फ वो बीजेपी के एक बड़े नेता के तौर पर रहे बल्कि बिहार सरकार में भी मंत्री रहे, वित्त मंत्री का पदभार उन्होंने संभाला, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी एक सक्रिय प्रवक्ता के तौर पर भी रहे, जो बात पार्टी की तरफ से उन्होंने हमेशा रखा है। और इसके साथ ही आज यही वजह है कि सभी सुशील कुमार मोदी के निधन से काफ़ी दुखी हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। एक एक करके हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो सम्राट चौधरी ने ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि दी है सुशील कुमार मोदी को। और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर कांग्रेस के नेता कौकब कादरी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिस समय सुशील कुमार मोदी से हमारा परिचय हुआ, भले ही वो बीजेपी में थे
लेकिन उनके साथ हमारा एक पारिवारिक संबंध रहा है। उनके जाने पर बेहद दुख है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मोदी जी की आकस्मिक निधन की खबर सुन करके हम काफी मर्माहित और दुखी हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक योद्धा सूबे बिहार में खो दिया है। उनकी कमी काफी लंबे समय तक खलेगी। तो सुना आपने, और देखिए सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एम्स पहुंचे आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार और कृष्ण गोपाल सहित बीजेपी के कई नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आज सुशील कुमार मोदी का जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।